नमस्कार, आप देख रहे हैं आठभट न्यूज। खबर पटना सिटी से है। बीते 24 जनवरी को पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के मंगल तालाब इलाके में दिन दहाड़े अभिषेक कुमार की गोली मारकर की गई हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने इस हत्या में शामिल दो लोगों को एक देसी कट्टा एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इस हत्या का मुख्य आरोपी कुख्यात अपराधी हर्ष कुमार है, जो अपने चार दोस्तों के साथ मिलकर अभिषेक की हत्या की थी और घटना के बाद फरार चल रहा था। वहीं मंगल तालाब परिसर स्थित डोमखाना के पास एक नए अपराध की योजना बनाने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके आधार पर छापेमारी की गई, जहां से दो अपराधी सोनू और रोशन को गिरफ्तार किया गया। वहीं हर्ष कुमार और इसके दो अन्य साथी भागने में सफल रहे, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि ये सभी कुख्यात अपराधी हैं और कई कांडों में वांछित रहे हैं। पूछताछ में दोनों ने अभिषेक कुमार की हत्या करने की गुनाह को कबूल कर लिया है। इसमें शामिल मुख्य आरोपी हर्ष कुमार और अन्य दोस्तों के बारे में जानकारी दी है। कुख्यात अपराध कर्मी हर्ष कुमार के मंगल तालाब डोमखाना के पास होने की सूचना मिली थी, उसी पर हम लोग रेड छापामारी में गए थे। दो लड़के पकड़े गए हैं, वो दोनों भाग गए। इन्हीं की निशानदेही पर हर्ष कुमार का हथियार बरामद हुआ। हर्ष, जैसा ये लोग बता रहा है कि हर्ष का ही एक देसी कट्टा है, एक मोबाइल है, यही लोग बताया है, इसी के निशानदेही पर बरामद हुआ।